बॉलीवुड एक्टर और मूवी क्रिटिक कमाल आर खान की बात करें तो कमाल आर खान एक ऐसी पर्सनालिटी हैं और एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो अक्सर अपनी ट्वीट्स को लेकर अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कमाल आर खान अपने सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं जिसके चलते वो चर्चा में बन जाते हैं या फिर कॉन्ट्रोवर्सीज में भी घिर जाते हैं। तो रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ है कमाल आर खान के साथ। कमाल आर खान ने इस बार टारगेट किया है सनी देओल के बेटे यानी करण देओल को। वेल, करण देओल के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी ट्वीट्स की है, उनको गुस्सा आया है करण देओल पर। इसके पीछे की वजह यह है कि करण देओल को वो एयरपोर्ट पर मिले थे, जिसके बाद करण देओल ने उन्हें पहचाना नहीं, उन दोनों का आमना सामना हो गया, लेकिन करण देओल ने इनको हाय नहीं बोला, जबकि कमाल आर खान ने उनको हाय बोला और करण देओल ने जो है जवाब नहीं दिया। शायद उन्होंने कमाल आर खान को पहचाना नहीं था, जिसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर उनके बारे में नेगेटिव पोस्ट किए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी हैं वो भी कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोग कमाल आर खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कमाल आर खान को उल्टा ट्रॉल कर रहे हैं। जी हाँ, कई लोगों ने कमाल आर खान को सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया है इन्हीं ट्वीट्स के चलते। वहीं आइए हम पहले नजर डालते हैं कमाल आर खान की उन ट्वीट्स पर जो उन्होंने सनी देओल के बेटे करण देओल के खिलाफ की हैं। वहीं अगर हम करण देओल की बात करें तो सनी देओल के बेटे करण देओल ने रिसेंटली पल पल दिल के पास मूवी के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर लिया है। उनके साथ साथ सहर बम्बा ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया है। ये फिल्म 20 सितंबर से सिनेमाघरों में लगी हुई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस फिल्म को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एज अ डेब्यू करण देओल को देखें तो उनकी परफॉर्मेंस एज अ डेब्यू बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में करण देओल अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छी फिल्में देंगे अपने फादर सनी देओल की तरह।